इस समय मेरे साथ है वरुण सूद। वरुण, आप हमने देखा आपके स्टंट्स के साथ साथ बीच पर मॉडलिंग भी बहुत थी, खूब एंजॉय। बीच में तो मैं चिल करने गया था, वो लोगों ने शूट कर लिया, वो मेरी गलती नहीं है। किस तरह का एक्सपीरियंस रहा? आई डोंट थिंक इससे बेटर एक्सपीरियंस मैंने लाइफ में किया है। मैंने सोचा था कि एक और शो है, एक और रियलिटी शो है, जाऊंगा स्टंट करूंगा, एंटर करूंगा और वापस आ जाऊंगा। पर ये शो इतना क्रेजी है, मतलब इतनी अलग अलग चीज़ें करते हो यहाँ पर, इतने अलग अलग लोगों से मिलते हो यहाँ पर, कि अपार्ट फ्रॉम द स्टंट्स यहाँ पर जाने का ही मज़ा कुछ और है। यहाँ पर आप लोगों से मिलते हो, सीनियर एक्टर्स है, सीनियर आर्टिस्ट है, रोहित सर है, क्रू है, एक फैमिली टाइप बन जाती है 40 डेज के अंदर वहाँ पर, एंड यू जस्ट गेट टू लर्न सो मच फ्रॉम देम एंड फॉर एवरीबॉडी आउट देयर। किसने आपको सबसे ज्यादा टफ कंपटीशन दिया? मेरे टफेस्ट कंपटीशन रहे हैं विशाल आदित्य सिंह। मैं डे वन से बोल रहा हूँ, डे वन एज इन जब हम एयरपोर्ट पे गए थे, मैं तब से बोल रहा हूँ कि आप मेरे टफेस्ट कॉम्पिटिशन होने वाले हो, और उन्होंने भी मुझे वही चीज बोली कि तुम मेरे टफेस्ट होने वाले हो, तो यही चीज चलती गई एयरपोर्ट से। उन्होंने इंटरव्यू में भी आपको ही बोला है ना, मुझे पता है कि तो मतलब पहले से म्यूचुअली दोनों ने डिसाइड किया है। पता नहीं वो एक भाई भाई, पता है जब हम लोग एयरपोर्ट में मिले थे, हमने बोला यू नो व्हाट हमारी ये लाइफ स्टोरी है ये, तो मैंने देखा बोला आप बहुत टफ होने वाले हो, बोला तू भी टफ होने वाला है। फिर जब हम शो पे गए, जब स्टंट चालू हुए, तो वही हुआ कि हम दोनों तो मतलब जब भिड़ते थे तो पागलों की तरह भिड़ते थे, पर मजा आया कि मतलब एल्डर ब्रदर वाज लाइक हिज यंगर ब्रदर, पर कॉम्पिटिशन हम देखते नहीं थे, हम तो पागल हो जाते थे, तो दैट वॉज वन इंटरेस्टिंग थिंग। और आपने अगर मैं गलत नहीं तो दिव्यंका से कुछ टिप्स ली? मैं एक्चुअली मैं स्टार्टिंग में टिप्स दे रहा था, वो ना स्टार्टिंग में आके बोल रही थी कि तूने ना, बिकॉज मैं ऑब्वियसली एक शो करता हूँ रोडीज, उसमें मैं गैंग लीडर हूँ, तो आई कैंड हेल्प पीपल टू डू स्टंट्स। यहाँ पर मैं भी स्टार्टिंग में कर रहा था, बट मिड ऑफ द सीजन आई वाज लाइक यार दिव्यंका जी बहुत सही कर रही है, तो एक दो बार तो मैं गया था दिव्यंका जी ये कैसे करूँ, बोले तू मुझे क्यों पूछ रहा था, तो आता होगा ना, नहीं नहीं आप इतना बढ़िया कर रहे हो कि मुझे आपसे पूछने की जरूरत पड़ रही है अभी। तो शी वॉज वन सरप्राइज पैकेज दैट आई थॉट कि पहले मुझे लगा नहीं कर पाएंगी, बिकॉज बहुत शांत है, बहुत डेडिकेट है, पर उन्होंने बहुत सही किया शो के अंदर। तो अगर मैं बात करूं तो सबसे फेवरेट स्टंट कौन सा रहा? मेरे सब स्टंट फेवरेट थे, बिकॉज सब स्टंट इतने लार्ज स्केल के थे कि मुझे लगा कि अगर मैं इसको एंजॉय नहीं करूंगा तो शायद मैं वापस कभी ना कर पाऊँ उसको, तो फिर आई वॉज एंजॉइंग एवरी स्टंट दैट आई वॉज गेटिंग, क्योंकि एक हर स्टंट बनाने में खर्चा होता है, मेहनत लगती है लोगों की, एंड टू रियलाइज द फैक्ट कि ये मेहनत मेरे लिए हो रही है और हम दोनों लाइक दो तीन और लोगों के लिए हो रही है, तो फिर जस्ट टू बी देयर इन दैट मोमेंट एंड डू अ स्टंट ना, मुझे लगता था कि बस मजे करो और कंप्लीट करो। मैं आपसे कुछ नाम बोलूंगी, नाम सुनते साथ आपके दिमाग में क्या आता है? विशाल आदित्य सिंह, बड़े भैया, श्वेता तिवारी, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट वुमन आई हैव सीन, आस्था गिल, चिलो, अभिनव, वेरी इंटेलिजेंट, वेरी इंटेलिजेंट, राहुल वैद्य, आई डोंट थिंक लोगों ने ये साइड देखा है बिग बॉस, मैंने बिग बॉस देखा नहीं, बट उनके लिए एक सेंटेंस बोलना चाहूंगा कि ही इज अ वेरी फनी गाय, राहुल भाई इज वेरी 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 फनी, एंड बिग बॉस में जो भी होता है लड़ाइयाँ वड़ाइया वो सब उसको हटा के अगर आप राहुल भाई को देखोगे ना, ही हैज अ वेरी गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। अनुष्का इज वन गर्ल हु वॉन्ट्स टू ट्राई डिफरेंट थिंग्स इन लाइफ, लाइक ऑब्वियसली शी इज अ चाइल्ड एक्टर, वो 9 साल की थी जब से काम कर रही है, तो उसने ज्यादा एक्सपीरियंस की नहीं है, और शी इज वेरी क्यूरियस, उसको सीखना है, उसको करना है, तो शी इज वेरी लाइक आई वुड ट्राई एनीथिंग इन लाइफ, तो वो ऐसी है। इस शो से क्या लेकर आए हैं अपने साथ, क्या सीख कर आए? मैं ये सीख के आया हूँ कि हर काम आपके बल पे नहीं होता है, आपको दिमाग लगाना पड़ता है, यू हैव टू बी काम इन लाइफ, यू हैव टू एनालाइज द सिचुएशन ताकि यू कैन डू थिंग्स इन अ बेटर वे। पहले पहले जाकर मैं स्टंट की बात करूंगा, मैं सब बल से करता था कि बल से हो जाएगा हो जाएगा, यहाँ मुझे पता लगा कि बल से हो तो जाएगा पर दिमाग लाओगे तो आसानी से होगा, तो आई लर्न टू अप्लाई माई माइंड इन लॉट ऑफ प्लेसेस। थैंक यू हमसे बात करने के लिए। थैंक यू।